हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक डिजाइनिंग हिंदी। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी दिन बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ, ऑफिस का थोड़ा वर्क था इस वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था। दोस्तों अभी रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा। दोस्तों आज का वीडियो कोरल ड्रॉ में, जब आप कभी इस तरह का लोगो क्रिएट कराने के लिए या करने के लिए कोई देता है तो आपको समय लगता है, या अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। और दोस्तों अगर आप कर भी लेते हैं तो इस तरह से ये जो टेक्स्ट की गैपिंग आ जाती है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज मैं आपको ये बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूं कि आपका वीडियो ये अच्छा होगा और आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों सबसे पहले इस तरह का टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए आपको अपने कोरल ड्रॉ में इस तरह से यहाँ पर एलिप्स टूल को सिलेक्ट करना है। एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ से ड्रैग करना है। अभी ड्रैग करने के बाद आपको, मान लीजिए मैं स्कूल का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्या कुमारी विद्यालय, और इसको यहाँ से फॉन्ट जो भी आपको सेलेक्ट करना, मैं यहाँ पे अभी कोई भी एक फॉन्ट यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये फॉन्ट है, मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इस फॉन्ट को मैं यहाँ पे अभी चेंज कर लूँगा, थोड़ा बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, जैसे कि ये फॉन्ट है, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। वैसे जो इस लोगो में फॉन्ट आप यूज करिएगा दोस्तों, वो फॉन्ट नॉर्मल ही यूज करिएगा, जैसे ये फॉन्ट है तो इसको यहाँ पे यूज करिएगा, ज़्यादा बड़े फॉन्ट मत यूज करिएगा। दोस्तों सिंपली इसको इस तरह से यहाँ लिख लिया हमने, कन्याकुमारी, यहाँ पर लिख लेते हैं इंटर कॉलेज, कुछ इस तरह से। अभी दोस्तों अब हमको इसको इस तरह से क्रिएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, इसमें जो भी आपको बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है तो सिंपली मैं यहाँ येलो बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक जाके यहाँ पे इस पर कर देंगे तो आउटलाइन हट जाएगी। अभी दोस्तों सिंपली शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे इसको और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे कुछ इस तरह से, और इसको रेड कर लेंगे कुछ इस तरह से, अभी हमने कर लिया, या रेड वाले को बाहर कर देते हैं और या येलो वाले को अंदर कर देते हैं। अभी दोस्तों सिंपली क्या करना है, अभी इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इस सर्कल को बाहर वाले को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे अलाइन फिल फिट टेक्स्ट टू पाथ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों इसको क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे इसको, ये देखिए इस तरफ जो ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे जाएगा, और दोस्तों इसको ऊपर करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, और दोस्तों इसको इधर करेंगे तो इस तरफ जाएगा, और ऊपर करेंगे तो इस तरफ को जाएगा। अभी दोस्तों सिम हम कंट्रोल जेट कर लेते हैं, ये हमारा टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा लिख गया है तो सिंपली कंट्रोल जेट कर लेते हैं, यानी कि टेक्स्ट का साइज़ बड़ा है तो इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। अभी दोस्तों ये ठीक है, अभी हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर भाई शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिट टू टेक्स्ट, फिट टेक्स्ट टू पाथ पर क्लिक कर देना है। अभी ये ठीक है दोस्तों, अब सिंपली यहाँ पे आपको नीचे वाला आइकन, यानी कि नीचे यहाँ पे इस पर क्लिक करना है कुछ इस तरह से। दोस्तों ये यहाँ पे आ गया, और इस वाले बॉक्स को आप थोड़ा और छोटा कर लीजिए कुछ इस तरह से, और ये देखिए ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो दोस्तों अभी आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि अभी आपको इसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगा, तो यहाँ से आप एक चीज़ और कर सकते हैं, सिंपली मैं इसको कंट्रोल जेट कर लेता हूँ, कंट्रोल जेट कर लिया। कंट्रोल जेट करने के बाद दोस्तों अगर आपको इस तरह से इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना, फिर यहाँ पे जाने में थोड़ा समय लगता है, तो उसके लिए एक बहुत ही आसान सा है दोस्तों, इस पर सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अभी सिर्फ टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इस वाले सर्कल पर क्लिक नहीं करना है, सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर फिट टेक्स्ट टू पाथ का ऑप्शन आ जाएगा, और ये दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको इंडिकेट करेगा कि आपको इसको कहाँ एडजस्ट करना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ अराउंड इस तरह से, और यहाँ पे क्लिक कर देना आपको सिंपली, और इस सर्कल को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब सिंपली वही सारे ऑप्शन सब कुछ आपको फिर से यहाँ पे देगा, तो आप सिंपली यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और अब अपना यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे ये लोगो वगैरह मात्रा वगैरह F9 प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। और दोस्तों अब यहाँ पे कोई भी फ़ोटो आपको लगानी है, जैसे कि मैं यहाँ पे माता सरस्वती जी की फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ, माता सरस्वती, तो ये फ़ोटो हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, और डाउनलोड करने के बाद इसको सिंपली यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट। सिंपली इस फ़ोटो को हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करना है, पावर क्लिप इनसाइड जे इस पर क्लिक कर देना है, और इस पर जो वाइट बैकग्राउंड है अगल बगल येलो, तो इस पर सिंपली वाइट कलर बैकग्राउंड फिल कर देंगे कुछ इस तरह से। तो अभी दोस्तों ये यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको दूसरा कोई टेक्स्ट टाइप करना है और यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। एक इसमें दोस्तों प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, जैसे कि ये यहाँ पे देखते हैं तो ये स्पेलिंग यहाँ से कट जाती है, तो ये थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा।
तो सिंपली आपको क्या करना है, इस तरह का कोई सर्कल एक ड्रॉ कर लेना, यानी ये सर्कल है, इस पर सिंपली आपको कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर लेना, या सिंपली एक नया सर्कल आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस तरह से, और इसकी आउटलाइन कर लीजिए आप अराउंड 2 या फिर 3, वो आपके साइज के ऊपर है, और इसको सिंपली शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, और इस तरह से इसको जहाँ पे मात्राएं हैं वहाँ पे आपको इसको छोड़ना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हमने इस तरह छोड़ दिया। अभी दोस्तों क्या करना है, सिंपली आपको ये F10 वाला सिलेक्ट यहाँ पे टूल सेलेक्ट करना है, कुछ सेव टूल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन देगा इसको बाहर की ओर ड्रैग करना है कुछ इस तरह से, तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। अभी दोस्तों सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ तक ड्रैग करना है और इसको यहाँ पर छोड़ देना है, और सिंपली यहाँ पर कीबोर्ड से प्लस प्रेस करना है तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी, फिर से F10 वाला सेलेक्ट करना है और आपकी यहाँ पे ले जाके यहाँ तक छोड़ देना, और इसको फिर यहाँ से कम कर लेना, इस जगह पे छोड़ देना है। तो दोस्तों ऐसे फिर मैं इसकी इसको बाहर की तरफ दोस्तों आपको ड्रैग करना है, अंदर की तरफ नहीं, तो सिंपली ये इस तरह से हो गया, ऐसे फिर से प्लस कीबोर्ड से प्लस कर देंगे और F10 प्रेस करेंगे और बाहर की तरफ इसको राउंड के बाहर की तरफ आपको ड्रैग करना है कुछ इस तरह से, तो अभी मैं इसकी कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने का इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से, तो इसको दोस्तों एडजस्ट कर लीजिएगा बाद में, और ऐसे ही दोस्तों सिंपली फिर से इसकी कॉपी करेंगे, प्लस कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे या कंट्रोल सी वी कर देंगे, तो हम सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देते हैं, और फिर से सेव टूल लेंगे, सेव टूल लेने के बाद इसको यहाँ पे सिंपली ड्रैग करेंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से भी इसको कम कर लेंगे। अब दोस्तों सिंपली क्या करें, जैसे कि ये देखिए और अगल में है, तो इसको सिंपली यहाँ से पहले इसका ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से, आउटलाइन है तो सिंपली राइट क्लिक कर देंगे आउटलाइन पे, ऐसे इस पर भी कर देंगे और इस पर भी कर देंगे और इस पर भी कर देंगे। अभी क्या करना है, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो सिंपली इस सभी को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से F12 प्रेस करना, यानी आउटलाइन इसकी बढ़ा देनी है अराउंड इस तरह से, तो जितनी भी आउटलाइन में ये आपका सही बैठे तो उतनी आउटलाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। तो अभी दोस्तों हमने यहाँ 5 कर लिए और यहाँ पर 6 कर लिए, तो अभी हमको ये थोड़ा यहाँ पर ठीक लग रहा है। तो दोस्तों ये देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे अभी हमको इसका कलर चेंज कर लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट काम इसको कर लेंगे वाइट। दोस्तों अभी ये ग्रुप में है तो सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये सर्कल से अलग हो जाएगा। अब इस पर हम सिंपली वाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे और इसकी आउटलाइन को भी हम कर लेंगे यहाँ से वाइट। दोस्तों आउटलाइन में थोड़ी मेहनत करके इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अब यहाँ से इस तरह की प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर नहीं हो रही है, अब ये बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा, और आपको अगर आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कोरल ड्रॉ से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक डिजाइन इन हिंदी।